फॉर्मर ट्रस्ट की जमीन पर बने अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल को लेकर निगम और ट्रस्ट के बीच बातचीत भी चल रहा है और इसके कारण से 2 अक्टूबर को होने वाले शुभारंभ को रोक दिया गया है। तो वहीं ट्रस्टियों ने कहा है कि एमओयू के नियम शर्तों का पालन नहीं होने पर ट्रस्ट की जमीन निगम को हस्तांतरित नहीं हुआ है। नियमों को ताक में रखकर आपसी सहमति से 50 करोड़ का बस टर्मिनल खड़ा कर दिया गया है और इस विरोध को महापौर प्रमोद दुबे ने जायज बताया। हाँ, उसमें जो 2007 में जो एमओयू हुआ था, 2007 से लेकर 2019 तक जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, एमओयू किए, उनकी जिम्मेदारी थी कि 15 साल में भी अगर कहीं ये दस्तखत नहीं हो पाए या उनकी जमीन की अदला बदली नहीं हो पाई तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है और चिंतनीय विषय है। खबर भवानी से है, जहां पर